हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने नेट फैब्रिक ले रखा है और मैंने ये लाइनिंग ले रखी है ब्लैक कलर की। तो इसी साइज में आपको एक ब्यूटीफुल डीप नेक वी नेक की ब्लाउज़ बना के दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये मैंने फैब्रिक ले रखा है लाइनिंग वाला, इसको मैंने फोर फोल्ड करके रखा है क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक दोनों साथ में निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ मेरा 13 इंचज़ है, जो कि रेडी होने के बाद ये 12.5 इंच रेडी हो जाएगा। ये मेरा यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का हाफ, जो कि 5.5 इंच ले रही हूँ, और इसका आर्म होल लूँगी मैं 6 इंचज़, क्योंकि ये डीप नेक है इसलिए मैं 6 इंचज़ ही लूँगी इसका। और ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसलिए मैं 6 इंचज़ ले रही हूँ। और यहाँ से हम इसके बॉस की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 + 2 इंचज़ रखने हैं, आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसमें 2 प्लस कर दीजिए। और फिर हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 + 2 इंचज़ रखना है, तो वेस्ट मेरे 7 इंचज़ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे डार्ट के लिए, तो 8 इंचज़ आएगा। तो इस तरह से हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले ही रखा था मार्जिन के लिए। यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्क लेंगे, तो 1.5 इंच ले रही हूँ बैक के लिए, और फ्रंट के लिए लेंगे हम 1 इंच, क्योंकि ये दोनों मेरा साथ में निक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इस तरह से लिया है। इसका यहाँ से मैं हाफ लूँगी, तो 6 का हाफ हुआ 3 इंच, 3 इंच पे मैं 1/2 इंच अंदर इस तरह से मार्क कर लूँगी। और ये अंदर की गुलाई का हमें शेप देना है, जो कि ये फ्रंट आर्म होल रहेगा ये हमारा। और इस तरह से हम बैक वाले भी आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से फ्री हैंड मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व के हल से भी शेप दे सकते हैं। इसके बाद हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच लूँगी, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारे फ्रंट नेक की, वो मैं 8 इंचज़ ले रही हूँ। आपको अगर कम रखनी हो तो आप कम भी रख सकते हैं, या फिर आप 9 इंच तक रख सकते हैं। और बैक में 11 इंचज़ रख रही हूँ, और बैक भी आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, मैं वी नेक बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से एक स्केल की हेल्प से ही इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट रहेगा, और बैक का भी हमें सेम ऐसे ही रख के हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जो हमारा फ्रंट का रहेगा उसको मैं थोड़ा सा शेप दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हमें इसमें शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें शेप दे लिया। इसके बाद हमें अब इसकी इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल हमें फ्री हैंड से इसमें शेप देनी है, और बैक हमने वी नेक ही रखनी है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें डार्ट डालेंगे। तो बैक के लिए हम लेंगे 3.5 इंचज़, यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1 इंच का हम डार्ट डालेंगे। तो 1/2 इंच मतलब दोनों साइड पे रहेगी, तो ये 1 इंच की डार्ट बन के रेडी होगी। और जो इसकी लेंथ रखी है वो मैंने 4 इंचज़ पे रखी है। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और स्केल की हेल्प से दोनों साइड को हम मिला देंगे इस तरह से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने कर दिया है। अब ये मेरे बैक वाले पार्ट की मैंने मार्किंग करी थी, ये जो डार्ट हमने डाली है, क्योंकि फ्रंट तो हम प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाएंगे, तो इसके लिए तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने से पहले ये मैं इसके आर्म होल साइड की कटिंग कर लेती हूँ। पहले बैक वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है, जो कि आउटर मार्क लगे हैं हमारे, उसकी हमें कटिंग कर लेनी है जैसे है ये। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन रखते हुए कट कर लेंगे, जो कि देखिए, इससे मैंने 1/2 इंच कट कर लिया। उसके बाद हम ये पीसेस को यहाँ से अलग कर देंगे, फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को। यहाँ से जॉइंट था इसलिए मैं यहाँ से भी कट करके अलग कर दूँगी, तो 2 पीसेस इसमें हमें मिल जाएंगे। नेक की कटिंग मैं अलग अलग करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ से इसे निकाल देती हूँ। ये हमारा जो है ये फ्रंट है, बैक है, तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ इसके नेक की। देखिए, इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारा बैक नेक है यहाँ मैंने कट कर लिया, और जो इस जॉइंट है वहाँ से भी हमें कट कर लेनी, क्योंकि ये बैक ओपन रहेगी इसके लिए। देखिए, जैसे मैं साइड से ट्रिम कर दूंगी बराबर से आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट था, अब हमें फ्रंट का है उसकी हमें मार्किंग कर लेनी थी, जो कि हमारा नेक भी इसमें मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी ताकि ये आपको अच्छे से नज़र आए। ये भी 2.5 रखा था मैंने ऊपर से, और मैंने 8 इंच की लेंथ ली थी। यहाँ से मैं प्रिंसेस कट बनाऊंगी, तो यहाँ से मैं 4 इंचज़ ले रही हूँ, ऊपर से मैं लूँगी 9.5 इंचज़ पे। इस तरह से हमें निशान लगाना है, जो कि हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा। इसके बाद यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ, 4 इंचज़ है। यहाँ से साइड से मैं लूँगी 2 इंच। इसके बाद हमें ऊपर साइड पे लेना है, इसके
सबसे पहले मैं लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ सीधी सी। देखिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये जो यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच पे किस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हमें जो इसका आर्म होल साइड था उसको भी मैं अंदर गुलाई का जो शेप था उसकी भी मैंने शेप मार्क कर लिया। मैंने आपको पहले ही दिखाया था इसकी, तो देखिए इस तरह से निशान लगा दिया। अब हमें इसमें शेप देना है, तो इसको बिल्कुल इस तरह से हम इसमें शेप देंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप इस तरह इस मेथड से बनाओगे प्रिंसेस कट तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और ऊपर साइड से मैंने 1 इंच पे इस तरह से रखा है। जब हम डार्ट लगाएंगे इस तरह से, जब हम स्टिच करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा फैब्रिक खींचेगा, इसलिए हम ऊपर साइड पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए ओवरऑल मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग कर दी है। इसको शेप को हमें डार्क कर लेना है, जो हमारा एपेक्स पॉइंट था, देखिए मैंने यहाँ डार्क कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल मैंने ये सारी मेरी मार्किंग कर ली है मैंने। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, तो जैसे है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इधर से मैंने कट करा, जो कि 1 इंच पे निशान लगाया था मैंने, और यहाँ से 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था। तो इसको जैसे है वैसे ही हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। थोड़ा सा इसमें ऊपर साइड से जो आर्म होल का निशान था उसे भी मैं कट करके अलग कर दूंगी। यहाँ से कट कर दिया है मैंने, यहाँ साइड से भी आर्म होल के ऊपर साइड भी मैं कट कर दूंगी, और नीचे साइड से भी हमें ये नेक कट कर लेनी है। अगर आप चाहें तो पेस्टिंग की हेल्प से भी आप नेक पहले बना सकते हैं। तो देखिए मैंने नेक की कटिंग कर ली है। ये जो था एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे भी हम ट्रिम कर देंगे, तो ये स्ट्रेट इस तरह से हमें मिलेगा। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमारे दोनों साइड के पीस मिल जाएंगे हमें। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट था। तो देखिए इस तरह से मेरे ये सारे पीसेस मिल गए। हमारा जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रख के मैं इसे पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो मैं आपको सब कुछ करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसे पिनअप करके कटिंग कर ली थी, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे पीसेस मेरे, ये बैक के 2 पीस हैं हमारे। मैं आपको पहले ये जो हमारा फ्रंट है मैं उसको आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है ये। तो जो लाइनिंग का पीस है वो लाइनिंग के साथ रख के हमें अटैच करना है। अगर आप इसमें कप अटैच करना चाहते हैं तो आप कप भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो देखिए हमने लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रख के स्टिच करना है। ऊपर साइड से हम पकड़ेंगे और इसको हम बराबर से रखते हुए नीचे तक स्टिच कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका होता है इसे स्टिच करने का। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता के रखा है कि इसे आप कैसे स्टिच कर सकते हैं। और बैक वाले पार्ट में हमें जो शोल्डर का साइड है उधर साइड हमें स्टिच नहीं करना है, और ये इधर साइड पे मैंने आई हुक के लिए छोड़ा जगह वहाँ पे भी हमें स्टिच नहीं करनी है। बाकी हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे चारों तरफ पे। तो देखिए इधर से मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे इसमें हमें कट लगाने हैं। देखिए मैंने सारे पीसेस को जोड़ लिया था, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ। अब हम इसके नेक पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब मैं इसे टर्न करूँ तो ये इजीली टर्न हो जाए और इसमें झोल वगैरह ना आए। तो इसलिए हम देखिए इधर इसके आर्म होल साइड पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है, क्योंकि मैं ये स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसलिए इसमें फिनिशिंग में बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, और हमने बैक वाले पीस में भी नेक के साइड पर और आर्म होल के साइड पर हमें इसी तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे कट लगा दिए सारे पीसेस पे। इस पर भी हमें कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है, थ्रेड वगैरह नहीं कटना चाहिए ना फैब्रिक कटना चाहिए। तो इसे जो हमारा बैक वाला फैब्रिक था दोनों पीस उसे हम सीधा नहीं करेंगे, उसे हम बाद में सीधा करेंगे। तो मैं जस्ट आपको इस तरह से सीधा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इस तरह से आप बहुत आसानी से सीधा कर सकते हो। आप चाहे तो शोल्डर के साइड से भी आप इसे आसानी से सीधा कर सकते हो। इस तरह से सीधा करने से ये फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो नज़र नहीं आते हैं, और देखने भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम इस तरह से सीधा कर लेंगे तो बहुत सही दिखता है ये। तो देखिए इस तरह से ये पूरा सीधा कर लेना है। ये जो हमने प्रिंसेस कट के लिए स्टिच मारी थी इस पर भी हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। बिल्कुल ध्यान से कट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए इधर साइड से मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसे शोल्डर के साइड से सीधा कर लूँ, क्योंकि मैंने इसके चारों तरफ से इसे मैंने स्टिच करा था, तो इसलिए मैं इसको शोल्डर के साइड से सीधा करूँगी। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से ये सीधा हो जाता है, और जब ये आप सीधा कर लोगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है।
बिल्कुल हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेते हुए हमने इसे इस चारों तरफ से स्टिच करा था। शोल्डर के साइड पे मैंने इसे स्टिच नहीं किया था। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पीस को यहाँ बराबर से सीधा कर लेना है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट मैंने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आप चाहे तो इस पर आयरन कर सकते हैं। तो देखिए इधर साइड से भी मैं इसकी थोड़ा सा सही कर दूंगी और शोल्डर के साइड पे भी हमें थोड़ा सा वो सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा सीधा कर लिया है। आप चाहे तो इस पर आयरन कर लीजिए, उसके बाद आप इस पर सिलाई कर सकते हैं। मैं आपको इसमें शोल्डर रख के अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये पीस इस तरह से रखा है। हमारा ये जो बैक वाला पीस था वो उल्टा साइड है, और जो इस तरह जो हमने हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसे मैंने सीधा करके रखा था। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को हम इस, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसे अटैच करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखते हुए इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो देखिए इधर साइड से ऊपर हम इस तरह से ऊपर इसको खींच लेंगे बराबर से। देखिए बराबर से रखा मैंने इसको, अंदर साइड हाथ डाल के इसको बराबर से कर लेना है। आप चाहें तो इसे पहले एक पिनअप कर लीजिए, या तो कच्चा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल एक पिनअप कर दूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। दूसरे साइड पे भी हमें ऐसे ही करना है। तो पहले मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ ताकि ये इधर उधर पीस ना हो हमारे दोनों। और इधर साइड से भी मैं इसके बैक वाले पीस के अंदर इसको अंदर इस तरह से शोल्डर को निकाल लूँगी। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह से बराबर से दोनों मिला लेना है हमें, दोनों शोल्डर को एक साथ। इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये सारे चीज़ें करके सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी थी। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इसे हमें सीधा कर लेना है, खींचना है इस तरह से, तो ये बैक वाला पीस भी सीधा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये शोल्डर जो हमने अटैच करे थे कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें बिल्कुल फिनिशिंग आती है, इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह भी कुछ नहीं दिखते और देखने में बहुत अच्छा लगता है ये। तो देखिए इधर से सिलाई भी इसकी नहीं दिख रही और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो दोनों पीसेस को मैंने सीधा कर लिया है। सीधा कर लेने के बाद आप इस पे चाहे तो आयरन लगा लीजिए, उसके बाद आप इसे सिलाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा सीधा कर लिया है। पूरे पीसेस को सीधा करने के बाद इस पे मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद इसकी जो हमें बस इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है। इसकी हुक पट्टी तैयार करनी है तो इसके लिए हम छोटा सा ही फैब्रिक कट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ दो ही इसमें हुक लगेंगे। तो इस तरह से हम रख के इस पे ये बराबर से इसकी हुक पट्टी तैयार कर लेंगे। और जो है साइड की फिटिंग भी हमें इसमें देनी है, उसमें और अब कुछ रहेगा नहीं। तो इससे साइड की फिटिंग देने से पहले जो हमने डार्ट लगानी थी आपको बैक साइड में डार्ट जो हमने लगानी थी वो हम लगा लेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ों को आपको करके एक साथ दिखा देती हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे करना होता है, तो मैं आपको ये चीज़ दोबारा नहीं दिखा रही इसमें। तो देखिए इस तरह से रखा है मैंने, इधर साइड हम डार्ट डाल देंगे दोनों पीसेस पे। जैसा कि आप भी देख सकते हैं जो हमारा मार्जिन रहता है वहाँ पर हाफ फोल्ड करके हमें ये स्टिच करना होता है। तो इस तरह से हमें डार्ट मिल जाती है। मैं ये पूरा बन के मैंने तैयार कर लिया है। नेक भी बन के मेरी रेडी हो चुकी है। ये वी नेक की डीप ब्लाउज थी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेट ब्लाउज बनके मेरी रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।